गाइस ये देखिए चल पड़े हैं रास्ते में और धूप भी अच्छी है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अक्ति ब्लॉग्स। एंड गाइस मैं अभी उठ के फ्रेश भी हो चुकी हूँ और अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज जल्दी भी उठ गई थी तो जल्दी फ्रेश हो गई और आज धूप भी अच्छी निकली है तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर जाती हूँ ऊपर छत पे। तो आप मेरे ब्लॉग में बनी रहे। ब्रेकफास्ट डन हो गया है और जाते हैं ऊपर छत पे क्योंकि आज धूप भी काफ़ी अच्छी निकली है, तो जाते हैं ऊपर और आप भी चलिए मेरे साथ। गाइस छत पे आ गए, आज कितनी अच्छी धूप निकली है, लग रहा है कि बिल्कुल गर्मी का मौसम हो गया है, बहुत अच्छी धूप निकली है। ये गाइस आँखें निकल रही, इतनी ज़्यादा धूप निकली है, बट गाइस क्या ही कर सकते हैं। मन तो करता है कि पूरे दिन सोए उठे ही ना, बट ऐसा करेंगे तो मम्मी तो मारेंगी, बहुत मारेंगी। तो मैंने सोचा ऊपर आ जाते हैं और ब्लॉग शूट करते हैं। तो वही गाइस हो रहा है, खत्री धर्मशाले में शादी है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, वेडिंग सीजन चल रहा है गाइस, वेडिंग सीजन। एक चीज और, धूप के साथ साथ ना इतनी अच्छी हवा चल रही है, मस्त एकदम अच्छा लग रहा है, सनी प्लस एयर हवा इज इक्वल टू सुकून। जैसे ये धूप निकलती है लोग तो ऐसे ही बाहर आते हैं अपने कमरे से, जैसे लगता है कि चूहे के बिल से चूहा निकल आया है, क्योंकि ठंड में सब लोग चूहा बन ही जाते हैं और भालू बन जाते हैं क्योंकि भालू बहुत आलसी होता है और लोग भी ज़्यादातर सर्दियों में भालू बन जाते हैं जो घुसे रहते हैं अपनी गुफा में और टाइम आने पे निकलते। तो सेम ऐसे ही गाइस हम लोग का भी हाल है, विंटर में जब धूप निकलती है तभी सब लोग ऊपर निकलते हैं वरना तो सब सोते ही रहते हैं। और ये क्या करेंगे, बहुत ही धूप है, अच्छी लग रही है और पतंग उड़ाने का मन हो रहा है बट क्या करें गाइस, उड़ानी आती नहीं है तो बस देख रहे हैं पतंगों को और सूरज को और इन्जॉय कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। और अभी शायद मार्केट भी जाना पड़े, मम्मी का फ़ोन आया था तो वो कह रही थी नीचे आओ जल्दी से चलना है मार्केट। तो गाइस चलते हैं फिर से नीचे और देखते कहाँ जाने के लिए कह रही हैं, वरना अगर जाएंगे नहीं तो लेक्चर अलग से डांट पड़ेगी क्यों नहीं जल्दी आई। तो बिना लेट किए जाते हैं नीचे और फिर मार्केट के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर गाइस आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं मार्केट, तो आप भी चलिए और इनको देखिए कितना हंस रही हैं, मतलब मार्केट के नाम से इनको कुछ ज्यादा ही मजा आती है, बस घूमने का मिल जाए बहाना। हाँ। आज इनको बहाना मिल गया, जाते ही नहीं पहली बार, तो चलिए इनके सारे हम भी चल रहे हैं, इतना मजबूत, चलिए गाइस चलते हैं फिर। तो गाइस ये देखिए चल पड़े हैं रास्ते में और धूप भी अच्छी है। क्यों मम्मी क्या कहना चाहोगे तुम? हम यही कहना चाहते हैं बस, सर्दियाँ जाने वाली है, अच्छा हमको सिखा रही है, गर्मी आ रही है बस धीरे धीरे। हाँ धूप अभी से इतनी तेज निकल रही है, लग रहा है कि मई का महीना आ गया है। चलिए गाइस चलते हैं, मार्केट चेंज हो गया है, धूप निकली है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ये जैकेट उतारने का मन कर रहा है, इतनी तेज़ धूप निकली है लेकिन हवा आँखें ही नहीं खुल रही हैं, लेकिन हवा बराबर चल रही है, हवा भी चल रही है बट गर्मी को ज़्यादा की वजह से ही ठंडा है, वैसे धूप बहुत तेज। आज तुमने हमने दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना, ट्विनिंग हो गई, बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी हो गई, किसी दिन हम भी ऐसे जाते थे स्कूल अब। तो गाइस बैठे हैं हम लोग, अब अपना वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब टाइम आएगा हम लोगों का जाने का, तो फिर बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, मम्मी अपनी फेवरेट डिश क्या खा रही हैं देखिए, स्प्रिंग रोल मोमोज खा रही हैं, इतना ज्यादा इनको खाने का मन हुआ कि प्लेट भी नहीं, झिल्ली के ऊपर से डाल ली और खा रही हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये देखिए, इनके फेवरेट हैं। अब शाम भी हो गई है और अर्ज भी फ्री हो गया है, छत पे टहल रहा है, स्कूल से भी आ गया है, मेरी ट्यूशन भी हो चुकी है, इनकी ट्यूशन भी हो चुकी है, फ्री हैं और ये आज राजा बाबू बन गए हैं, इन्होंने सारा काम कर लिया, एकदम फ्री हो गए हैं ये, आराम से अब
कीर्तन का एंजॉय करेंगे। और तुम और गाइस एक बात तो बताना मैं भूल गई, इनको बहुत अच्छी ढोलक बजानी आती है, इनसे आप लोग ट्यूशन क्लास ले सकते हैं ढोलक की। क्यों, आप सिखा दोगे मेरे गाइस को? बिल्कुल, फिट एंड फाइन। अच्छा, फिट एंड फाइन। और गाइस एक नंबर सिखाने। आप फीस क्या लेंगे सर? आप फीस क्या लेंगे ढोलक सिखाने की? हाँ, फीस में आप अच्छा रुपए लेंगे? 500। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी? ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा? अच्छा अच्छा, इतना भी चल जाएगा, 1 रुपया। तो चलिए गाइस आपको अर्श को दिखाते हैं कि अर्श क्या करता है। ये कौन सा मंत्र फूंक रहे हो भैया? किसको वश में कर रहे हो? हमको वश में कर रहे हो क्या? अर्श अर्श, मैं तो तुम्हारे वश में आ गई। अच्छा, तुम्हारा फ्रेंड विभू, शिवांशु खड़े हैं ये देखिए। पतंग उड़ा रहे हैं। हेलो गाइस बोल लो। ये देखिए चांचू। और ये अर्श। क्यों नहीं दिखाएंगे? चांचू। तो गाइस शाम का टाइम हो गया है और बाहर हॉल में मतलब खाटू श्याम का कीर्तन भी हो रहा है, तो चलिए गाइस कीर्तन का एंजॉय करते हैं। तैयारी अर्श ने की है। जय बांके बिहारी लाल की जय। और खाटू नरेश की जय। लखदार की जय। तीन मांडारी की जय। कांवड़िया सरकार की जय। जय हो जय हो। बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से। बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से। आखड़ली चुरा के बाबा जासी कटे मेरे से। आखड़ली चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से। पालक कीर्तन भी समाप्त हो गया है, आज का व्लॉग एंड करती हूँ। और गाइज आपको मेरा ये व्लॉग आज का अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए। और प्लीज़ गाइज आप लोग 8 बजे आके मेरे वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। और मैं आपको मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।